कोडरमा समाहरणालय सभागार में उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। उपायुक्त महोदय ने कहा कि तंबाकू पर रोक हम दो प्रकार से लगा सकते हैं, या तो तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले को जागरूक करें, या तंबाकू उत्पाद की बिक्री करने वाले दुकानदारों को कानून का अनुपालन करने हेतु कानून के अनुरूप कार्रवाई की जाए। उपायुक्त रंजन के द्वारा तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 एवं अन्य संबंधित कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि जिला को धूम्रपान मुक्त करने में सहयोग करें, तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 एवं अन्य सहायक कानूनों का पालन करें। तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 एवं अन्य संबंधित कानूनों का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिले के सभी अधिकारी एवं पदाधिकारी अपने अपने कार्यालय को तंबाकू मुक्त घोषित करें। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला की शुरुआत करते हुए सिविल सर्जन महोदय ने कहा कि पुलिस एवं अन्य संबंधित विभाग के पदाधिकारियों की मदद से आने वाली युवा पीढ़ी को तंबाकू के लत से बचाने के लिए कानून का अनुपालन कराया जाना आवश्यक है। तंबाकू नियंत्रण की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए दीपक मिश्रा, कार्यपालक निर्देशक सोशियो इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी सिट्स ने कहा कि तंबाकू नियंत्रण हेतु सभी विभागों खासकर पुलिस पदाधिकारियों का सहयोग आवश्यक है, ताकि कानून का अनुपालन सुनिश्चित करवाकर आम जनता को जागरूक किया जा सके। आपको बता दें कि तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत चलानिंग प्रक्रिया को नियमित करने तथा कोटपा की धारा 5 एवं 7 के तहत छापामारी तथा किशोर न्याय बाल देखभाल एवं संरक्षा अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक डॉ. नीरा यादव, वन प्रमंडल पदाधिकारी सूरज कुमार सिंह, अध्यक्ष सह कार्यकारी प्रधान जिला परिषद शालिनी गुप्ता, उप विकास आयुक्त लोकेश मिश्रा, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी चिकित्सा पदाधिकारी एवं तकनीकी सहयोग संस्था सिट्स के पदाधिकारी उपस्थित थे। कोडरमा से विकी केसरी की रिपोर्ट।